नमस्कार दोस्तों, आज के इस मैथुन में तहे से सबका शुक्रिया। और ठीक जो है घर पर मरा पड़ा था किशोर कुमार साहब। जी हाँ, वही किशोर कुमार साहब जो अपने गीतों के माध्यम से लोगों को हंसाते थे, रुलाते थे और दिल बहलाते थे। आज उन्हीं के इस मैथुन में कुछ चंद बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। कुछ लोगों ने कहा कि किशोरदा पैसा लेके ही गाते थे, तो आज वो किस्सा है जहाँ किशोरदा ने एक गीत ऐसा भी गाया जिसमें उन्होंने पैसे बिल्कुल नहीं दिए। बहुत कम लोगों को पता ही है, ये 1980s अर्ली 80s की बात है। और साई प्रांत हुए मशहूर फिल्म मेकर जो आठ फिल्म बनाती थी, या कहिए जो नॉन कमर्शियल टाइप की फिल्में वो बनाती थी, उस फिल्म में किशोरदा को गाना था। तो जहाँ एक महफिल में साई पराजपुर से उनकी मुलाकात हुई, तो वहाँ उन्होंने साई पराजपुर से पूछा कि आप हम जैसे सिंगरों को क्यों नहीं गवाते। तो साई पराजपुर ने कहा, आपका जो रेट है दादा वो बहुत ज़्यादा है और हमारी फिल्म की बजट बहुत कम होती है, तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते। तो किशोरदा ने कहा, नहीं, आप मुझे याद करो, मैं गाऊंगा, बजट का टेंशन नहीं। तो 1982 में उनकी फिल्म की शूटिंग हो रही थी, इस फिल्म का नाम था कदा, जिसमें नसरुद्दीन शाह, दिप्ती नवल, फारूक शेख। इस फिल्म के वक्त किशोरदा को याद किया साई पराजपुर जी ने और गाना रिकॉर्ड हुआ। रिकॉर्डिंग के बाद जब उन्हें लिफाफा दिया गया, लिफाफा उन्होंने लिया और साई पराजपुर जी के हाथ में दे दिया, ये कहते हुए कि बस आपने मुझे मौका दिया ऐसे नॉन कमर्शियल फिल्मों में गाने का, जो मेरी ख्वाहिश थी वो आज मेरा पूरा हो गया, तो धन्यवाद। ये कहते हुए वो निकल गए। लोग दंग रह गए, किशोरदा बिना पैसे के भी गाना गाते थे, क्योंकि किशोरदा जो भी करते थे दिल से करते थे, इसलिए उन्होंने पैसा नहीं लिया। और गाने के अल्फाज भी देखिए, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। ये गीत आप YouTube में देखिए, बहुत अच्छा गाया किशोरदा ने, नसरुद्दीन शाह पे भी चलाए थे। तो मैंने सोचा आज की इस महफिल में आपके सामने ये किस्सा बयान करूँ कि अक्सर ये भ्रम है किशोरदा पैसे के लिए काम करते थे, बिल्कुल नहीं, किशोरदा दिल से काम करते थे। थैंक यू।